हेलो सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का वेलकम है मेरे इस ग्रुप पे एस्ट्रो इन्वेस्ट। जैसा कि कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हाउसेस के बारे में फिर से एक वीडियो बना के बताऊं, तो मैंने ये आज एक वीडियो बनाया है। इसमें मेनली आई विल डिस्कस अबाउट लॉर्डशिप ऑफ हाउसेस, किस हाउस का कौन लॉर्ड होता है, किस हाउस का कौन सिग्निफिकेटर होता है, और आपके प्लैनेट्स लॉर्डशिप के हिसाब से कब आपको अच्छे फल देंगे, योग कारक होंगे, कब मारक होंगे या मैलिफिक होंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपका कोई भी चार्ट होता है उसके हाउसेस को हम क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी टर्म में बात करेंगे तो आपको ये सुनने में मिलेगा केंद्र, त्रिकोण, उपचय हाउसेस एंड सो ऑन। तो दोस्तों, ये एक मैंने एक चार्ट बनाया एग्जांपल के लिए। तो अब यहाँ जहाँ लग्न लिखा हुआ है, ये यहाँ से ऑलवेज हम काउंटिंग करते हैं हाउसेस की, और ये पहला घर होता है फर्स्ट हाउस, और इसको हम लग्न भी बोलते हैं। हाउस है, इसको मार्क नहीं करते नंबर, ये ऑब्वियस होता है कि ये फर्स्ट हाउस है। इसके बाद इसकी हम काउंटिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी क्लॉक की नीडल जैसे मूव करती है उसके अपोजिट, ये फर्स्ट हाउस है, फिर इधर ये सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। इस तरीके से टोटल भाव बोलते हैं इनको, 12 भाव हैं एक उसके अंदर। आप किसी को चार्ट को देखोगे तो उसके नंबर अंदर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाउस फिक्स है हमारी, जो नॉर्थ इंडियन चार्ट जो बनता है, साउथ इंडियन अलग तरीके से बनता है। तो हाउस आपसे कहे फोर्थ हाउस कौन सा है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। सेवेंथ कहे तो हम यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हाउसेस की नंबरिंग होती है। अब इन हाउसेस को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है केंद्र, कौन से हाउसेस को केंद्र बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें फोर क्वाड्रेंट टाइप फॉर्म बन रहे हैं। ये देखेंगे तो एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है जिसकी फोर साइड है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। इन चारों हाउसेस को हम केंद्रा या क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्योंकि इनके चार साइड है, इसलिए इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हाउस नंबर यदि इनको नंबरिंग से लिखोगे तो 1 हाउस होगा ये, या हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 10। ये फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं। इनमें वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो 10th क्वाड्रेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, केंद्र बोलते हैं इनको। दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन आपको सुनने के लिए मिलेगा ट्राइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं आपके चार्ट में, ट्राइन जिनको त्रिकोण बोलते हैं हिंदी में। तो त्रिकोण में आपका 1 आपका केंद्र भी माना जाता है, 1 लग्न भी माना जाता है, और 1 त्रिकोण भी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, इसी को लग्न बोलते हैं। ये अभी मैंने बताया इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट, और ये त्रिकोण होता है 1, 5 एंड 9। ये 3 त्रिकोण होते हैं आपके, त्रिकोण आपके होंगे 1, 5 एंड 9। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1, 5, 9। तो पहला फर्स्ट भाव, पांचवा भाव गिन लीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9। तो 1, 5, 9 जहाँ पे मैंने इस डायग्राम में टी लिखा हुआ है, ये तो लगना है। इसके अलावा यहाँ टी लिखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, इन भाव को हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। तो जब भी आपसे को कहे कि त्रिकोण में कौन सा प्लेनेट है, तो आप समझ जाएंगे कि वो आप 1, 5 और 9 भाव की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है उपचय हाउसेस। उपचय का मतलब होता है बढ़ते हुए। तो उपचय हाउसेस होते हैं 3, 6, 10, 11। हाउस नंबर 3, ये हाउस नंबर 3 है, आप काउंट कर लीजिए। ये हाउस नंबर 6 है जिसको मैंने यू लिखा है, ये हाउस नंबर आपका 10 है, ये केंद्रा भी है और उपचय भी है, 11। ये उपचय हाउसेस होते हैं। इसके अलावा आपके मैलिफिक हाउसेस होते हैं इस चार्ट के अंदर, जिनमें हम किसी भी प्लेनेट को यदि होता है तो अच्छा नहीं मानते, उनके लॉर्ड को भी अच्छा नहीं मानते। वो होते हैं आपके 6, 8, 12, 6, 8 और 12। ये मैलिफिक हाउसेज हैं आपके 6, 8 और 12। ऐसे ही एक और क्लासिफिकेशन आता है त्रिसाड्य।
थ्री सर्ड डेज कहीं पे भी लिखा हो तो थ्री मीन्स तीन, थर्ड हाउस, सा मीन्स सिक्स एंड आई मीन्स इलेवन, थ्री सिक्स इलेवन हाउसेस को थ्री सर्ड डे बोलते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, आप कहीं भी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी कि ट्राइन में ये प्लेनेट है, केंद्र में है, या आपका त्रिशार्ड्य में है, या आपका दू स्थान में है जिसको हम मैलिफिक हाउसेस बोलते हैं, तो लग्न में है तो लग्न समझिए ये पहला हाउस है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस है। इसके बाद दूसरी चीज मैं बताता हूँ, हर हाउस का एक सिग्निफिकेट होता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज में देखोगे कि हर हाउस का एक काम होता है, हर एक हाउस का, जैसे पहला हाउस है वो हमको रिप्रेजेंट करता है तन को, दूसरा हाउस सेकंड हाउस आपका वेल्थ और कुटुंब फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं, थर्ड हाउस अपने छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सामर्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी काम करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, संतान या प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो आपका आपके ऊपर कितना लोन है, आपके कितने एनिमीज हैं, ऋण रिपु शत्रु इन सभी को रिप्रेजेंट करता है, डिजीज को भी रिप्रेजेंट करता है, सेवन्थ हाउस वाइब को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, एट्थ हाउस आपका एज को रिप्रेजेंट करता है, इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, नाइन्थ हाउस आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, टेंथ हाउस आपके क्या काम करेंगे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है, इलेवेंथ हाउस आपकी गेन को रिप्रेजेंट करता है, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, और ट्वेल्थ हाउस आपका एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, इसको व्यय भाव बोलते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया है, वैसे एक एक हाउस के सो मैनी सिग्निफिकेशंस हैं। अब इन्हीं सभी हाउसेस के सिग्निफिकेटर हैं, पहले हाउस को आपकी बॉडी को या तन को जो रिप्रेजेंट करता है उसका सिग्निफिकेटर सन होता है। इसके बाद जुपिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है हमारे इसमें, तो जुपिटर की इंपॉर्टेंस आपको यहां से समझ में आ जाएगी। मैंने सिग्निफिकेटर्स मार्क किए हैं हर एक हाउस में, तो जुपिटर को देखोगे तो देखिए सेकंड फिफ्थ नाइन्थ एंड इलेवेंथ, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। पहली बात तो ये बता देता हूँ, इनमें फिफ्थ एंड नाइन्थ आपका ट्राइन है या त्रिकोण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका लाभ भाव है, इच्छा भाव है वो इंपॉर्टेंट है, ये धन भाव है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी का सिग्निफिकेटर जुपिटर होता है। तो आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जुपिटर से इंपॉर्टेंट कोई भी प्लैनेट नहीं है आपकी पूरे चार्ट में, क्योंकि जुपिटर आपके धन, इच्छा, आपकी एजुकेशन, बच्चे, लक, फादर इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिग्निफिकेटर है, मतलब आपको कहा जाए कि आपका धन कितना मिलेगा तो हमें जुपिटर जरूर देखना पड़ेगा, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, बच्चे कितने होंगे तो जुपिटर देखना पड़ेगा, आपके फादर कैसे होंगे, आपके पास कितना भाग, आपका लक कितना काम करेगा तो भी जुपिटर देखना पड़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, आपको कोई भी काम कर रहा है उसमें कितना गेन होगा, इन सभी को दिलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको सिग्निफिकेटर बोलते हैं। तो ये सारे काम जुपिटर को एलोकेटेड है इस आपके प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर। ऐसे ही आपका थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर, बहन भाई का सिग्निफिकेटर मार्स होता है, फोर्थ हाउस मीन्स मदर के सिग्निफिकेटर, फोर्थ हाउस में आपका हम केवल मदर और आपका सुख सुविधाओं के अलावा प्रॉपर्टी एटसेट्रा भी देखते हैं, तो अलग अलग काम के अलग अलग सिग्निफिकेटर हैं, मगर मेन सिग्निफिकेटर मून माना जाता है और मदर का सिग्निफिकेटर होता है मून। सिक्स्थ हाउस का फर्दर सिग्निफिकेटर मार्स होता है, सिक्स हाउस से आपकी डिजीज हो गई, आपके कितने एनिमीज हैं, कितना आपके ऊपर लोन है, आपको कोई कोर्ट केसेस हैं क्या, कंपटीशन एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो उनमें आप जीतेंगे हारेंगे ये सब आपको मार्स बताएगा। सेवेंथ आपकी मेनली हम इससे मैरिज को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं, तो वीनस आपका मैरिज का सिग्निफिकेटर है। सिग्निफिकेटर का मतलब यह है कि आपकी मैरिज कराने की जिम्मेवारी इसके पास है, तो वीनस अच्छा होगा तो आपकी अच्छी मैरिज होगी। ऐसे ही एट्थ हाउस एज का सिग्निफिकेटर, आयु कारक, आपकी कितनी एज होगी उसका सिग्निफिकेटर सैटर्न है, शनि है वो डिसाइड करेगा आपको। ऐसे ही आपका टेंथ कर्म भाव, आप कितने फेमस होंगे, प्रोफेशन में कैसे रहेंगे, इसके आपके एक से ज्यादा सिग्निफिकेटर हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे सन हो गया, मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया, जनरली सन सिग्निफिकेटर है आपके गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न इंडस्ट्रियलिस्ट आप बनेंगे इसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी आप कोई भी आपका बिजनेस में कितने सक्सेसफुल होंगे इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके कर्म के सिग्निफिकेटर ये हैं। और ट्वेल्थ है आपका व्यय भाव बोलते हैं इसको,
और ये बैड प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सैटर्न इसका सिग्निफिकेटर है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से हर एक हाउस का कारक ग्रह बता दिया कि उस हाउस से रिलेटेड काम करने की जिम्मेवारी किस प्लेनेट के पास है। यदि जिम्मेवार प्लेनेट अच्छा है आपकी चार्ट के अंदर, तो उससे रिलेटेड आपको वो फल आसानी से देगा। अब आती है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप का मतलब क्या होता है? हर एक राशि है आपकी 12, तो हर एक राशि का एक लॉर्ड है, स्वामी है। तो हम जब भी लॉर्ड की बात करते हैं तो उस चार्ट में जो नंबर मार्क है उसके स्वामी की बात करते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में यदि नंबर मार्क हो, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबर आपको पता होने चाहिए कि 1 का मतलब होता है एरीज या मेष, 2 का मतलब होता है आपका टॉरस, वृषभ, 3 का मतलब होता है आपका मिथुन या जेमिनी, 4 का मतलब कर्क या कैंसर, 5 लियो या सिंह, 6 इज वर्गो या आपका कन्या, 7 इज तुला या लिब्रा, 8 इज स्कॉर्पियो या वृश्चिक, 9 इज सजिटेरियस या धनु, 10 इज कैप्रिकॉन या मकर, 11 इज एक्वेरियस या आपका कुंभ, 12 इज पाइसेस और मीन। अब इनमें इन जो आपके 7 प्लेनेट हैं, राहु केतु को किसी की लॉर्डशिप नहीं दे रखी है, आपका सिंह की लॉर्डशिप सन के पास है और कैंसर की लॉर्डशिप मून के पास है। इन दोनों प्लेनेट के पास केवल एक एक राशि की लॉर्डशिप है, बाकी सभी प्लेनेट के पास दो दो राशि की लॉर्डशिप है। इसको लर्न करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर नीचे आ गया 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 5 ये ऊपर वाला, 5 सन को रिप्रेजेंट करता है, 4 की लॉर्डशिप मून के पास है, फिर इन दोनों की 6 और 3 की ये मैंने वर्टिकल कॉलम बना दिया है, ये मकरी के पास है, 7 और 2 की वीनस के पास है, 8 और 1 की मार्स के पास है, 9 और 12 की जुपिटर के पास है, 10 और 11 की सैटर्न के पास है। तो आप देखेंगे कि इन 5 प्लेनेटों के पास मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न 2-2 राशि की लॉर्डशिप है। इनमें एक इवन साइन है, एक ऑड साइन है, आप देख लीजिए हर एक के केस में, एक इवन साइन है और दूसरा आपका ऑड साइन है, तो दो दो हाउसेज की लॉर्डशिप है। अब आपसे कहे लॉर्ड ऑफ जेमिनी, तो आप समझ जाएंगे जेमिनी का मतलब 3 नंबर और उसका लॉर्ड मरकरी है, वो आपको समझ में आना चाहिए एस्ट्रोलॉजी यदि हम समझना चाहते हैं तो। लॉर्ड ऑफ आपसे कहे लिब्रा, तो आप देखोगे 7 साइन का लॉर्ड कौन है, लिब्रा का साइन 7 होता है, नंबर नंबर से ज्यादातर यूज करते हैं हम, राशि का नाम भी नहीं लेते, साइन का नाम नहीं लेते और नंबर के बेस पे ही हम बता देते हैं। तो 7 का लॉर्ड आपका वीनस होना चाहिए। आपसे कहे लॉर्ड ऑफ पाइसेस, तो आपको इमीडिएटली पता लगना चाहिए कि पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर है। इस तरीके से लॉर्डशिप का मतलब होता है। अब मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि कितने तरीके के आपके प्लेनेट होते हैं, कितने तरीके का मतलब कौन सा प्लेनेट किस हाउस का ओनर है, तो किस तरीके के फल देगा आपको, रिजल्ट किस तरीके के देगा, बहुत अच्छे देगा, खराब देगा या क्या क्या देगा। तो उसके बेस पे ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है और इसमें मैंने यहाँ पे 2 मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये टॉरस लग्न का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, 2 का मतलब टॉरस लग्न का चार्ट है, जो इस जगह पे मार्क होता है वो लग्न होती है हमारी, टॉरस लग्न का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे डिफाइन भी करूंगा और आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा आपका प्लेनेट इसमें योग कारक होगा, अच्छे फल देगा, और इसी तरीके से आप अपने चार्ट पे भी लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन से प्लेनेट अच्छे हैं और कौन से आपका नुकसान करने वाले हैं या मारक हैं, आपको बीमार करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा एक प्लेनेट जिसे हम बोलते हैं योग कारक। योग कारक का अपने आप में मीनिंग है जो बहुत अच्छा आपका फल देने वाला है, आपके लिए बेस्ट प्लेनेट होगा। तो कोई भी प्लेनेट यदि आपके चार्ट में एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, क्वाड्रेंट एंड ट्राइन का लॉर्ड हो, लॉर्डशिप अभी मैंने पीछे बताई थी, तो वो योग कारक होगा। तो यहां पे हम ट्राइन देखते हैं, ये ट्राइन है देखिए, अब आप देखिए इसका लॉर्ड कौन है, मरकरी, 6 साइन का पीछे मैंने बताया मरकरी, इसका दूसरा साइन आ गया यहां पे, तो ये देखिए ट्राइन का तो लॉर्ड है मगर ये दूसरा साइन केंद्र में नहीं है, इसलिए ये योग कारक नहीं होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं, देखिए दूसरा ट्राइन ये है, 10 साइन है इसमें, इस 10 साइन सैटर्न का होता है, इसका दूसरा साइन देख लीजिए ये 11 है, सैटर्न के 2 साइन होते हैं 10 और 11,
अब देखिए सैटर्न इसका 10 का भी लॉर्ड है, 11 का भी लॉर्ड है, 10 आपका ट्राइन है और 11 आपका क्वाड्रेंट है, तो एक ही प्लैनेट ट्राइन और क्वाड्रेंट का लॉर्ड हो गया। तो इस चार्ट के लिए, टॉरस साइन के लिए सैटर्न इज योग कारक, मतलब इसकी किस्मत बदलने वाला प्लैनेट, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न होगा। ज्यादातर कुंडलियों में कोई भी योग कारक प्लैनेट नहीं होता, ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, कुछ एक चार्ट्स में ही केवल योग कारक प्लैनेट होता है। तो जिसका टॉरस लग्न की कुंडली है तो वो समझ जाए, क्योंकि उसका ट्राइन और क्वाड्रेंट का एक ही प्लैनेट यदि लॉर्ड हो जाए किसी केस में तो वो आपका योग कारक प्लैनेट हो जाता है। टू साइन की कुंडली है, सेवन साइन की में भी हो जाएगा। देखिए मैं यदि इसको सेवन साइन की कुंडली बना लूं तो 7, 8, 9, 10, 11 आ गया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखिए ये केंद्र हो गया, ये ट्राइन हो गया, तो केंद्र और त्रिकोण का एक साथ फिर सैटर्न लॉर्ड हो गया। तो जिसकी लिब्रा साइन की कुंडली है उसके लिए भी शनि उसका भाग्य बदलने वाला प्लेनेट है। तो इस तरीके से हम योग कारक का पता करते हैं। दूसरा आपका आएगा, अब इसको मैं हटा देता हूं, योग कारक मैंने बता दिया, योग कारक वो होगा जो एक साथ केंद्र का भी हो, दोनों का होना चाहिए, यानी कि एक का ही हो। दूसरा है बेनिफिक, शुभ ग्रह कौन से होंगे। अब आपको देखना है शुभ ग्रह कौन सा है, इस चार्ट में देखना है, तो सीधा सीधा देख लीजिए ट्राइन, फिफ्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड, वन को छोड़ दीजिए, वन को अलग से बताऊंगा मैं। पांचवें घर का मालिक और नवे घर के मालिक, ट्राइन के मालिक को शुभ ग्रह बोलते हैं, वो चाहे उसका दूसरा साइन कहीं भी हो वो शुभ जरूर होगा। अब इसमें देखिए मरकरी है इसका, इस ट्राइन का लॉर्ड, तो मरकरी इस चार्ट के लिए शुभ ग्रह हो गया, और इसका लॉर्ड तो योग कारक है ही, तो शुभ भी हो गई। फर्दर तीसरा आता है आपका सम, जिसे आप न्यूट्रल भी कह सकते हो, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, तो वो आपका होता है लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड ट्वेल्थ हाउस, ये सेकंड हाउस है इसका लॉर्ड। इस केस में आपसे कहे कि आपका सम कौन सा प्लेनेट होगा, तो ये आपका मरकरी हो गया और ट्वेल्थ लॉर्ड, ये ट्वेल्थ हाउस है, इसमें वन साइन आ रहा है, इसका लॉर्ड आपका मार्स होता है मंगल, तो मंगल भी आपके लिए यहाँ पे सम होगा। हालांकि उसके रिजल्ट कैसे होंगे वो आपका डिपेंड करेगा कि उसका दूसरा साइन कहां पर है, पर केवल एक ही साइन हो आपका टू एंड ट्वेल्व हाउस में तो उसको हम सम बोलेंगे। मारक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मारक वो होता है जो आपकी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या परेशानियों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको मारक बोलते हैं। तो लॉर्ड ऑफ सेकेंड हाउस एंड लॉर्ड ऑफ सेवेंथ हाउस, जैसे इस केस में आपसे पूछा जाए मारक कौन है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपका मरकरी और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, एट साइन है, एट साइन का लॉर्ड होता है मार्स, तो आपके लिए मारक यहाँ पे मरकरी और मार्स होंगे। इनकी आपकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो आप बीमार होंगे, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा या डेथ भी इनकी दशा और अंतरदशा में होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए इन्हें मारक बोलते हैं। मारक का मतलब यह नहीं होता कि वो मार ही देगा, पर वो परेशानियां क्रिएट करता है उसे मारक बोलते हैं। इनके लॉर्ड भी मारक होंगे, यहाँ पे कोई प्लैनेट बाय द वे आपके चार्ट में बैठा है आप चेक कर सकते हो, तो वो भी मारक होंगे, और एट्थ हाउस यहाँ पे भी जो प्लैनेट बैठा हो वो भी मारक का रोल प्ले करता है। तो मारक होते हैं लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सेवंथ हाउस, द प्लैनेट सिटिंग इन सेकंड एंड सेवंथ हाउस, ऑल्सो प्लैनेट सिटिंग इन द एट्थ हाउस भी मारक होता है। अब आता है मैलिफिक, अशुभ प्लैनेट कौन से होंगे, तो अशुभ जो होते हैं वो आपके 3, 6, 11, थर्ड लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड, ये अशुभ प्लैनेट होंगे। आपसे पूछा जाए इस चार्ट के लिए अशुभ प्लैनेट कौन है, तो देखिए थर्ड हाउस में फोर साइन लिखा हुआ है कैंसर, इसका लॉर्ड है मून, तो इस चार्ट के लिए मून अशुभ प्लैनेट है। सिक्स हाउस में देखिए सेवन लिखा हुआ है, सेवन, तो ये भी अशुभ है, मगर यहाँ पे होगा नहीं वो, मैं उसका दूसरा एक कंसेप्ट बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये 12 लिखा हुआ है, 12 का लॉर्ड होता है जुपिटर, तो जुपिटर भी आपका यहाँ पे मैलिफिक होगा आपका। तो 3, 6, 11 त्रिशार्ड हाउसेस के लॉर्ड मैलिफिक होते हैं, त्रिशार्ड हाउसेस के लॉर्ड को हम मैलिफिक प्लेनेट बोलते हैं। फर्दर आता है हाईली मैलिफिक, हाईली मैलिफिक होता है
आपका एट्थ हाउस का लॉर्ड, देखिए मैंने सारे हाउस बताए, एट्थ अभी तक नहीं बताया था। एट्थ हाउस का लॉर्ड हाईली मैलिफिक होता है, वो आपकी परेशानियां क्रिएट करेगा ऑलवेज। इस केस में यदि आपसे पूछा जाए एट्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, तो एट्थ हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है। तो जुपिटर इसमें हाईली मैलिफिक है, अनिष्टकारी प्लेनेट बोलते हैं इसको। आपके कुंडली के लिए सबसे खराब जो हाउस माना जाता है वो एट्थ हाउस माना जाता है, क्योंकि इससे एज से रिलेटेड होता है और इसको मृत्यु भाव भी बोलते हैं। तो एट्थ का लॉर्ड ऑलवेज आपका आपके लिए मैलिफिक होगा। ऐसा कहा जाता है यदि किसी के एट्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब दूसरी चीज, क्या एट्थ लॉर्ड हमेशा मैलिफिक होता है? तो इसके कंसेप्ट के लिए मैं बताता हूं कि यदि लग्न लॉर्ड खुद ही एट्थ हाउस का भी लॉर्ड हो, लग्न लॉर्ड मींस पहले हाउस का लॉर्ड, यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड हो तो उतना मैलिफिक नहीं होता, उसका मैलिफिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके लिए रूल आप याद रख सकते हो कि लग्न लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होता है, ये मानिए। जो भी लग्न का लॉर्ड है उसकी दूसरी लॉर्डशिप कहीं भी हो, दूसरी से जैसे समझिए ये यहाँ पे टू साइन लग्न में, तो इसका लॉर्ड वीनस है और इसका दूसरा वीनस की लॉर्डशिप यहाँ की है, क्योंकि वीनस के दो साइन है टू एंड सेवन, तो सेवन की लॉर्डशिप भी वीनस की है। तो आपका वीनस इसमें ऑल्दो लॉर्ड सिक्स हाउस का है, सिक्स हाउस का लॉर्ड मैंने यहाँ पे बताया था देखिए मैलिफिक होता है, मगर क्योंकि वीनस लग्न का भी लॉर्ड है तो ये इस चार्ट के लिए मैलिफिक नहीं होगा। तो ये नियम याद रखिएगा कि जो लग्नेश होता है, लग्न के लॉर्ड को लग्नेश बोलते हैं, वो ऑलवेज बेनिफिक ही होता है, कभी भी बुरा नहीं करेगा, बिकॉज लग्नेश पे ही आपकी सारी लाइफ डिपेंड करती है। लग्नेश आपको ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप किसी भी हाउस की हो, एट्थ हाउस की भी है तो वो आपके लिए मैलिफिक नहीं होगा। दूसरी बात, मून एंड सन के लिए केवल एक एक ही लॉर्डशिप दी हुई है। मून केवल कैंसर साइन का लॉर्ड है, सन केवल लियो साइन का लॉर्ड है। तो यदि एट्थ हाउस में आपका फोर साइन हो तो इसका लॉर्ड मून हो जाएगा। तो यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड मून हो तभी भी वो मैलिफिक नहीं होता, न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे बेनिफिक हो जाता है, मतलब वो आपका उतना बुरा नहीं करेगा। ऐसे ही यदि एट्थ हाउस के अंदर आपका सिंह हो या लियो साइन हो तो इसका लॉर्ड हो जाएगा सन। तो यदि एट्थ हाउस का लॉर्ड सन हो तभी भी वो आपका मैलिफिक नहीं होता। तो एट्थ हाउस के तीन केसेस में मैलिफिक नहीं होंगे, एक तो लग्न लॉर्ड ही यदि एट्थ हाउस लॉर्ड हो जाए तो वो मैलिफिक नहीं होगा, एक आपका मून एट्थ हाउस लॉर्ड हो जाए या उसमें फोर साइन हो तो मैलिफिक नहीं होगा, और एक सन आपका एट्थ हाउस लॉर्ड हो जाए तो वो भी मैलिफिक नहीं होगा। इस तरीके से हम ये डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स के बारे में मैंने इस आज की क्लास में कवर अप किया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, यूजफुल रही होगी। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बाधक प्लैनेट और भावत भावम थ्योरी आपको बताऊंगा, जो कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।